हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पैशनेट होम। मेरा नाम सुष्मिता है। आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं एक DIY आपके साथ शेयर करूंगी और एक बहुत अच्छी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो पहले से ही मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में सिंपल वे में टैसल कैसे हम लोग घर में बना सकते हैं वो मैं दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है सीजर, ऊल और एक छोटी सी डायरी। और आप चाहें तो डायरी के बदले कार्डबोर्ड पीस भी ले सकते हैं, जितना बड़ा या छोटा बनाना है उसके हिसाब से ही कार्डबोर्ड ले सकते हैं। पहले हम डायरी के ऊपर ऊल को ऐसे स्ट्रेट रख कर उसके चारों तरफ राउंड राउंड करके घुमाएंगे। हम जितना भी हम लोगों को मोटा चाहिए उसी के हिसाब से ही हम उतने ही राउंड लेंगे। फिर हम सीजर से इसको काट लेंगे। फिर एंड से पकड़ कर और दो पीस छोटे साइज के काट लेंगे टाई करने के लिए बाद में। फिर धीरे से डायरी से ऊल को निकालेंगे। निकालने के बाद एक तरफ से अंदर से ऊल डालकर उसको अच्छे से टाई कर लेंगे। फिर इसको स्ट्रेट पकड़ कर दूसरे तरफ से काट लेंगे। काटने के बाद आप उसको फिंगर से अच्छे से सीधा कर लेंगे और आप जितना उसको ऊपर से छोड़ना चाहते हैं उतना ऊपर से छोड़कर फिर और एक ऊल पीस से उसको अच्छे से टाई कर लेंगे। टाई करने के बाद फिर से फिंगर से अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद उसके एंड को पकड़कर उसको स्ट्रेट काट लेंगे। ये हमारा ये टैसल रेडी हो गया है। आप इसको अपने घर में इजीली बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। आपको ये DIY कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। आज मैं 9 अनियन गार्ली घंटों करी बनाना दिखाऊंगी। ये करी को आप बनाकर अपने व्रत वगैरह में खा सकते हैं। ये करी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही इजीली बन जाती है घर में। इसके लिए मैंने लिया है आलू, गाजर, परवल, कच्चा केला, पम्पकिन, तोरी, अरबी, बैंगन, ये सारे वेजिटेबल्स लिए हैं। आप चाहें तो अपने चॉइस के हिसाब से आप वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। फिर हम सारे वेजिटेबल्स को बहुत छोटे नहीं थोड़े बड़े साइज़ के काट लेंगे।
काटने से पहले मैं सारे वेजिटेबल्स को वॉश करके ही काटती हूँ, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है ताकि बैंगन काला ना पड़ जाए। इसमें मैंने हाफ कप चना दाल, हाफ कप काला चना और हाफ कप से थोड़ा सा कम काबुली चना लिया है, और सारे चने को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया है। करीबन 7-8 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया है इन सबको। करी में डालने के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि 2 इलायची, 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, थोड़ी सी जावित्री और 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 टीस्पून जीरा लिया है। फिर कुकर में मैंने 1.5 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम सारे खड़े मसाले डाल देंगे और 20 सेकेंड्स के लिए रखेंगे, क्योंकि खड़े मसाले का फ्लेवर ऑयल में इन्फ्यूज हो जाए। इसके बाद हम जीरा डालेंगे। जीरा थोड़ा सा चटकने के बाद हम फिर इसमें टमाटर डालेंगे। मैंने इसमें 1 बड़ा टमाटर लिया है। फिर इसमें पहले सारे चने को डाल देंगे। उसके बाद सारे वेजिटेबल्स को भी डाल देंगे इसमें। फिर इसमें मैंने नमक स्वाद अनुसार डाला है, 1 टीस्पून के करीब चीनी डाला है और 1.5 टीस्पून हल्दी डाला है, और इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर भी डाला है। आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से ही लाल मिर्च डालिएगा। फिर इसमें मैंने 1 गिलास पानी डालकर कवर बंद कर दिया है, और हम 2 सीटी लगाएंगे बॉईल होने के लिए। बॉयल हो जाने के बाद हम लास्ट में इसमें रेड चिली और जीरे को भूनकर जो पाउडर बनता है, मसाला बनता है, उसको 1.5 चम्मच डालेंगे। आप अपने हिसाब से तीखा जो खाते हैं जितना उतना ही डालिएगा। अब ये हमारा रेडी हो गया घंटों करी। थैंक यू वेरी मच। बाय।